देखना यह है कि ग्राम प्रहरियों को सक्रिय करने के बाद आपदा विभाग को कितना फायदा मिल पाएगा। इसी के साथ बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां राजधानी देहरादून के विकास नगर बाजार में गुरुवार को बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया है। इसके बाद प्रदर्शन कर रहे लोगों ने नगर पालिका का घेराव करते हुए अपना गुस्सा जाहिर किया है। दरअसल कल बाजार में एक युवक का ठेला वालों से कुछ विवाद हो गया था। इस घटना में ठेला लगाने वाले व्यक्ति ने पत्थर मारकर युवक की आंख फोड़ दी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था, जिसके बाद घटना से गुस्साए लोगों ने बाजार चौकी का घेराव कर आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ सभी ठेले वालों का सत्यापन करने की मांग की है। विकास नगर से इंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। पालिका के साथ एक समन्वय बैठक की जाएगी, उसके बाद जो भी निर्णय होगा वो आगे तय किया जाएगा। इसमें जो भी बाहर के लोग, जैसा कि बताया गया है, तो उसमें सत्यापन के संबंध में जो भी कार्रवाई की जानी है उसमें पालिका और पुलिस दोनों के साथ समन्वय बैठक करके आगे की कार्रवाई की जाएगी कि कोई भी व्यक्ति बिना सत्यापन के यहाँ ना रहे, और अगर किसी भी व्यक्ति का आपराधिक इतिहास रहा है तो ऐसे व्यक्तियों को यहाँ न रखा जाए। इस संबंध में कार्रवाई सुनिश्चित की। अतिक्रमण के संबंध में शिकायतें हैं, लगातार हम पहले भी कार्रवाई करते हैं और अभी भी इस समय में फुटपाथों के संबंध में कोई अतिक्रमण संबंधी शिकायतें आ रही हैं, तो पुलिस, नगर पालिका और तहसील प्रशासन मिल करके उसका सर्वे करके उसको हटवाया जाना सुनिश्चित किया है। देखिए, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे कोई बाहरी व्यक्ति हो चाहे कोई अंदर का व्यक्ति हो। तो जो भी इसमें किसी अपराध में लिप्त पाया जाएगा, चाहे वो कहीं करना हो, उसके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। उसके खिलाफ कठोरतम धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर जो वैधानिक कार्रवाई